हेलो गाइस, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे सामने देखो, हमको बिना बुलाए यहाँ पे माइनिंग चल रही है भाई। मतलब हमको बिना बुलाए तुम लोग माइनिंग कर रहे हो भाई। ये माइनर लोग पता है बहुत चालाक होते हैं, ये अकेले सब कुछ सारा माल लपेटना चाहते हैं, मतलब सारे के सारे डायमंड्स और एमराल्ड्स। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं भाई, इनके घर को फोड़ने वाले हैं। ओके ओके, हमने हमें फेंक दिया कुछ यहाँ पे, मेरे दोस्त ने एक बम फेंक दिया है, फटने वाला है। ओके भाई, फट चुका है। ओके भाई, मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार। एंड यहाँ पे इन सबको मारूंगा। अबे रुको रुको, कहाँ भाग रहा है? अबे कहाँ भाग रहा है? रुक जा, भाग गया यार। गाइस, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इसको। वो भाग चुका है यार। मेरे को उसको भागने नहीं देना था, पकड़ना था। लेकिन रुको, अब मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है गाइस, चलो फटाफट चलते हैं उसके पीछे एंड देखते हैं वो कहाँ पे चला गया यार। रुको, मेरे को आने दो भाई। ओके भाई, चलो लेट्स गो। ओके, हम लोग आ चुके हैं। वो रहा माइनर भाई, वो ना पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। पकड़ो, वो भागने ना पाए, उसे पकड़ो भाई। ये क्या कर रहा है? और भाई ये अपने साथ किन को ले आया ये भाई? ये दो जो मकड़ी है, पता नहीं ये क्या। ओ, इन मकड़ी ने उसको मार दिया लिटरली। अब रुको, हम इनको मार दें। अच्छी तो क्रैब है यार, मेरे को लगा ये मकड़ी है, बट ये तो गाइस क्रैब थे। ओ, इतना बड़ा क्रैब! अबे यार, ये कहाँ से आ गया? लगता है ये छोटे क्रैब की मम्मी है। ओ भाई, भागो यहाँ से। हमें लगा कि यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे क्रैब होंगे, बट यहाँ तो बहुत ही बड़ा क्रैब निकला और क्रैब के बच्चे ने यार उस माइनर को मार दिया। कहाँ गिर गए हम लोग? ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं भाई? शिट, ओ वो रहा क्रैब यार, कहीं वो नीचे ना जाए। हाँ, वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो ऊपर रहेगा भाई। वैसे हम लोग ये कहाँ गिर चुके हैं, कुछ पता भी है इसके बारे में? मैं इस केव को जानता नहीं हूँ। तेरे को पता क्या इसके बारे में? हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? और अंदर को जा रहे हैं हम लोग। ओ डाकू, अबे भाग, डाकू। अबे डाकू यहाँ पे है यार, यहाँ पे डाकू लोग हैं, हमें लूट लेंगे यार। लेकिन लूटने के लिए हमारे पास है ही क्या? बेशिट यार, ये लूटेंगे भी क्या, बट कोई दिक्कत नहीं। कहीं पता है ये हमको चाकू से ना मार दें यार, इसलिए हमको बच के रहना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए हमें ट्रैप बना रहे हैं गाइस। रुको, अब जैसे ही ये लोग यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ बूम होने वाला है, बूम। अभी रुको, इनको आने दो। आजा बेटा, आजा प्यारे मुन्ने, आजा। ये ले भाई। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा ट्रैप? भाई मैं बहुत ही होशियार हूँ। वैसे ही मैंने नहीं बनाया, एलेक्स ने बनाया, तो एलेक्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलो भाई, अब निकलते हैं यहाँ से। एक के बाद एक लेवल कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ से निकल पाएंगे। और ये कौन आ गया यार? अब ये ब्लैक ब्लैक दानव कौन है यार? गाइस, ये ब्लैक ब्लैक मॉन्स्टर कौन है भाई? मैंने ये मॉन्स्टर पहले कभी नहीं देखा। ओ भाई, लावा फेंक रहा है। भागो यहाँ से यार, ये ब्लैक मॉन्स्टर कहाँ से आ गया? लगता है ये कोई किलविश है, किलविश। मेरे को ऐसा ही लगता है यार, भागो यहाँ से। गाइस, क्या आप लोग किलविश को जानते हो? प्लीज कॉमेंट करो। ये मेरे को उसी की तरह लगता है बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन भागो। ओ, ये क्रैब, अभी क्रैब कहाँ से आ गया? ओ नो भाई, क्रैब यहाँ पे सामने से आ गया लिटरली। यहाँ पे डालो ट्रेन, डालो ट्रेन की पटरी, फटाफट डालो। अबे काट, डालो काट, मेरे को दो, मेरे को भागने का है माइन काट से। ओके चलो लेट्स गो, भागते हैं भाई। भाई क्रैब पता, ओ कहाँ गिर गया मैं? अबे भाई, गाइस मैं कहाँ हूँ? पानी के अंदर लिटरली मैं कहाँ गिर गया था, और ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? ओ भाई, एलेक्स तू भी आ चुकी है ना? एलेक्स, हम लोग यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है यार? और मतलब ये यहाँ पे लावा है और ये झोपड़ी जैसे घर है यहाँ पे, तो ये कौन है यार? अबे तू कौन है? ओए मार क्यों रहा है, पागल है क्या तू भाई? तू मतलब मार रहा है अपने को, लेकिन रुक तो, भाग कहाँ पे रहा है यार? ये घबरा क्यों रहा है इतना? ओ भाई, काफी होशियार बंदा है, क्या कर रहा है लेकिन ये गाइस? ओ भाई बहुत ही बढ़िया, इसके अंदर क्रैब गिर जाएगा। लेकिन भाई इस बंदे ने हमको बचा लिया, अगर ये बंदा यहाँ पे ये नहीं करता ना गाइस, गड्ढा नहीं खोदता, तो शायद क्रैब यहाँ पे आके हमको खा लेता। भाई यार, ये बंदा काफी होशियार निकला यार। थैंक्स ब्रो, थैंक्स, मैंने कुछ और ही तेरे बारे में सोच लिया था, बट तू बहुत ही अच्छा निकला। बट सोने के लिए मैं जाऊँ क्या भाई? तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना? ओके गाइस, ओके हम लोग फ्री हैं, सोते हैं। सो गाइस, हम लोग सोकर उठ चुके हैं, और लिटरली यहाँ पे पता लगता ही नहीं कि सुबह हुई या फिर नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो पता तो लगेगा ही नहीं कि सुबह या फिर रात है। सो ओके, थोड़ा भाई हाथ वगैरह से। ओ भाई, पूरा ब्लैक मॉन्स्टर मेरे ऊपर। गाइस, वो ब्लैक वाला दानव हमारे ऊपर खड़ा हुआ है।
और देखो वो कैसे ब्लॉक तोड़ रहा है, और वो नीचे आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से दोस्तों, कुछ करो, ये ब्लैक वाला दान यहाँ पे आ चुका है और ये हमारा पूरा ये पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे पहले कि ये हमको नुकसान पहुंचाए, यहाँ से निकल लेते हैं, पतली गली से फटाफट से निकलो यहाँ से भाई। चलो ऐसे निकल लेते हैं इससे पहले कि ये हमको, ओह ये रहा पोर्टल। एलेक्स यहाँ पोर्टल है यार, तू कहाँ चली गई? अरे एलेक्स पागल वागल है क्या, मर गई तू? चल मैं जा रहा हूँ पोर्टल के अंदर, लेट्स गो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं पोर्टल के अंदर, एंड भाई इस पोर्टल को पहले बंद करो इससे पहले कि जो वो दाना है वो यहाँ पर भी आ जाए। बंद करो फटाफट बंद करो। ओके तो मेरे दोस्त इसको बंद करने जा रहा है, लेकिन ये बंद कैसे, अच्छा सेंड कराएगा इसके ऊपर, बहुत ही बढ़िया। अब इसको तोड़ दे भाई, तोड़ दे फटाफट से ताकि सेंड गिर जाए। ओके वैसे ये कोई ट्रैप है क्या? आई डोंट नो, ये ट्रैप बना रहा है, पता नहीं क्या करा इसने, बट जो भी होने वाला है जैसे ही वो आएगा। ओके फोड़ उसको। ओके 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 गाइस वो ट्रैप हो चुका है। गाइस जो ब्लैक वाला दानव है ना, उसको हम लोगों ने पोर्टल के अंदर ही ट्रैप कर लिया है और अब वो हमारे पास बिल्कुल नहीं आ पाएगा। एंड ये लोग कौन है? ये तो एक चाय के कप की तरह मेरे को लग रहा है, बट ये कोई मॉन्स्टर्स है लिटरली। चलो इसके अंदर भाई, कुछ बंद करो गेट, बंद करो, बट बंद करो गेट यार। ओके भाई यार ये कहाँ आ गया, कहाँ आ चुका हूँ मैं भाई, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट में। लिटरली बहुत ही अजीब और गरीब भाई मेरे साथ सिचुएशंस हो रही हैं। चलो भाई, ओ भाई यहाँ भी आ चुके हैं। TNT फोड़ो। ओके ओके TNT फोड़ने वाला है। ओके TNT फोड़ चुका है, बट इनको तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अबे यार TNT फोड़ने का फायदा ही हुआ जब ये मॉन्स्टर ही नहीं मरे। गाइस हम लोग दोबारा से एक न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं, लेकिन यार यहाँ भी हमारे जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे पीछे पड़े हुए हैं चाय के कप वाले मॉन्स्टर्स। मतलब आप लोगों ने काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स देखे होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी भी चाय के कप वाले मॉन्स्टर्स नहीं देखे होंगे जो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं। एंड यहाँ हमारे सामने एक टावर है जिसके ऊपर हम लोग अपनी जान को बचाने के लिए जा सकते हैं। तो चलो इसके ऊपर, ओ वो लोग आ गए भाई, जल्दी निकल लो ऊपर यार, और कुछ करो भाई, कुछ सोचो दिमाग लगाओ कि हम लोग कैसे यहाँ से बच के जा पाएंगे भाई। किसी के पास इलाइटर है क्या? ओ भाई ये क्या कर दिया, उन लोगों को फंसा दिया। ये मजा आ गया भाई, मैं शौक में। लेकिन हमारे सामने वो ब्लैक वाला दानव खड़ा हुआ है, आई थिंक वो नीचे आ चुका है भाई, ब्लैक वाला दानव। गाइस ब्लैक वाला दानव, ओके मेरे पास लाइटर है, मैं उड़ चुका हूँ लिटरली, अब भागना पड़ेगा यहाँ से गाइस। लाइक वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, मेरे को भागना पड़ेगा भाई, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी 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 जल्दी, रन 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 रन। हम लोग आ चुके हैं ग्रीन बायोम के अंदर। एंड ये क्या है, इतनी बड़ी माइन शॉप भाई, लगता है किसी ने इसको यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पहले ये तो नहीं थी। और ये आ चुका है यहाँ पे, जल्दी कुछ करो, कूदना पड़ेगा। शिट बच गया यार, लिटरली बहुत ही खतरनाक यार। मतलब क्या मतलब मैंने क्या यहाँ पे पावर कर किया है, जंप लगाई है यार लिटरली बहुत ही। ओके वो हमारे सामने ही खड़ा हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हो, मतलब उसकी क्या क्या भाई निगाहें हैं उसकी, मतलब वो हमसे अपनी आंखों को हटा ही नहीं रहा है, जब तक वो हमें पकड़ के खा नहीं लगा उसको चैन नहीं पड़ने वाला। ओके हम लोगों को मिल चुकी है विच, अब हमारी सिर्फ एक ही बंदी हेल्प कर सकती है, वो है ये विच। अब ये सिर्फ विच ही हमारी हेल्प करेगी, विच कुछ तो कर रही है विच। ओ अबे विच पागल है क्या तू, तूने उसके लिए रास्ता बना दिया? अबे नहीं विच कुछ कुछ कर। ओ विच यार, वाओ गाइस विच ने हमको बचा लिया। और लेकिन विच अभी यहाँ पे एक और मुसीबत है यार, वो क्रैप तो नहीं मरा अभी भाई, वो क्रैप फिर से हमारे पीछे आ रहा है भाई, जल्दी भागो भाई, वो क्रैप अभी नहीं मरा है यार, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो, ये क्रैप तो पीछे पीछे आ रहा है भाई। हम लोगों ने कुछ कर रहे विच, कुछ कर विच। ओके विच ने कर दिया कुछ कमाल। अरे ये क्या हो गया गाइस, इस क्रैप को ये क्या हो गया, अबे पता नहीं क्या हो गया भाई मेरे को नहीं पता। ओ, ओ, ओ एलेक्स को ये क्या हो गया, एलेक्स बन चुकी है आयरन गोलम और अभी इस क्रैप को मारने वाली है। अब देखते हैं कौन जीतता है भाई, हमारी एलेक्स जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा भाई। चलो गाइस बहुत ही खतर, ओके फाइट कंप्लीट, एंड यहाँ पे गाइस काम खत्म हो चुका है। ओके लेकिन यहाँ पे एक और मुसीबत बाकी है, हम लोगों ने दो लोगों को तो मार दिया, बट एक मुसीबत बाकी है, ये चाय के कप वाले मॉन्स्टर्स तो इनको भी फाइट कर रही है। ओ भाई उन लोगों ने एलेक्स को मार दिया, क्योंकि एलेक्स ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज थी ना इस चक्कर में, और अब ये लोग हमें पकड़ लेंगे। शिट यार,
हेलो गाइस, एक और नई माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। और यहाँ पर देखो, मैं और नूब और एलेक्स एंड यहाँ पे हमारा एक और दोस्त है जिसका नाम स्पॉन्ज है। और गाइस, हमारे पास एक जादुई सॉर्ड है जो कि सामने रखी हुई थी ना, वही जादुई सॉर्ड है हमारे पास। मतलब उसका हम लोग इस्तेमाल बाद में करने वाले हैं। लेकिन नूब, तू क्यों ले आया उसको सॉर्ड को? अबे नहीं नूब, अबे यार गाइस, नूब ने स्पॉन्ज के ऊपर सॉर्ड से वार कर दिया। तो जो स्पॉन्ज था ना, वो खतरनाक स्कैरी बन चुका है। ओ माय गॉड, और वो हमको मारने के लिए पागल हो रहा है। भाई तूने ये क्या कर दिया नूब? भाई ये क्या कर दिया तूने? भाई अब हमारा क्या होगा यार? ये हमको जान से मार देगा स्पॉन्ज। चलो इस घर में थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसका इंतजार करते हैं। वो यहाँ पे, ओ वो तो विंडो से हमें देख रहा है। भागो यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से भाई, वो तो हमको देख रहा है विंडो से। ओके यार गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं टॉप पे और वो नीचे खड़ा हुआ है। ओके मैं नीचे कूद चुका हूँ। एंड यहाँ पे एलेक्स वो नहीं है ना? ओके गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट टेंपल है। चलो भाई इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, क्या पता इसके अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पे हम लोग अपनी जान को बचा पाएं। तो चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है। ओ भाई ये काफ़ी बड़ा है। अबे नहीं नूब, इसको शॉर्ट क्यों दे रहा है तू? अबे नूब, ओ गाइस ये क्या हो गया भाई? जैसे ही हमने इसको शॉर्ट दी वो ठीक हो गया। वॉट, ये क्या था यार? मतलब शॉर्ट छीनने के बाद वो स्कैरी बन गया और शॉर्ट देने के बाद वो ठीक हो गया। वॉट यार, इस स्पॉन्ज को पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं इस टेंपल के अंदर। ये एक डेजर्ट टेंपल है एंड लिटरली ये काफ़ी अजीब है। मैं यहाँ पे कभी नहीं आया भाई। चलो देखते हैं यहाँ पे। ओ चेस्ट है, चेस्ट के अंदर ये बेड रॉक के ब्लॉक्स हैं भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड यार यहाँ पे कुछ उतना खास तो है नहीं एलेक्स, फिर हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? ओ ये कौन है? अबे ये तो स्टीप गोलम है। अबे भाई ये स्टीप गोलम यहाँ पे क्या क्या कर रहा है यार? यार गाइस ये कौन था भाई जो कि स्पॉन हो गया लावा के अंदर से? ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक लोग हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे एलेक्स क्या करने वाली है? ओ एलेक्स तू यहाँ पे क्या करने वाली है भाई? पे ये क्या लगा रही लीवर? ओ मतलब हमारा यहाँ पे रास्ता बन चुका है सामने जाने का और हम लोग इस पूरे टेम्पल को अब एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। ओके ओ माई गॉड, ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों? देखो यार ये काफी अजीब सी जगह है यार। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक लगे हुए नेदरराइट के। यार ये काफ़ी अजीब जगह है यहाँ पे। ये क्या यहाँ पे यार हम लोग करें क्या? फ्लिंट एंड स्टील लगा दें क्या यहाँ पे? कुछ होगा इससे? ओ माय गॉड, इतना बड़ा पोर्टल भाई। चलो इसके अंदर जाके देखते हैं। ओ यार ये तो मैं नेदर में आ चुका हूँ गाइस। गाइस हम लोग नेदर में आ चुके हैं, लेकिन ये नेदर काफ़ी अजीब सा है। यहाँ पे कहीं लावा तो है ही नहीं भाई, फिर नेदर कैसा नेदर है ये? पता नहीं। और ये क्या? ओ भाई यहाँ पर तो एक बूढ़ा इंसान बंद है। चलो इसको बाहर निकालते हैं, पता नहीं बड़ी मुसीबत में होगा ये। भाई इसको बाहर निकाल लो वरना उसकी बेचारे के अंदर मौत हो जाएगी। बाहर निकाल उसको। ओके वैसे ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, ये तो एक लड़की है। लेकिन लड़की, ओ ये कोई लड़की नहीं है भाई, ये तो हमारे साथ ये प्रैंक हुआ है। ओ माय गॉड, ये तो खतरनाक सी ग्रैनी है। ओ भाई नहीं दोस्तों, भागो यहाँ से। ओ माय गॉड गाइस, हमारे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक हुआ है। नूब भाई भाग यहाँ से, हमारे पीछे बहुत बड़ी ग्रैनी पड़ चुकी है। ओ माय गॉड भागो। शिट, ओके सो मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मेरे को खुद नहीं पता है। और ये कि हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं नूब? भाई ये कौन सी जगह है नूब? भाई तेरे को पता है इसके बारे में? पक्का पता है? ओ यहाँ पर भी एक बंदा बंद है भाई, जो कि जेल के अंदर बंद है। भाई इसको बाहर निकाल से पहले सोच लो, कहीं ये भी खतरनाक ना निकले भाई। सोच लो पहले भाई, भाई कहीं ऐसा ना हो ये कुछ और बन जाए भाई। वही भाई समझ ले भाई, सोच समझ लो। ओ तूने उसकी हेल्प क्यों करी तुम? ओके तो मेरे को इसके ऊपर थोड़ा बिलीव हो रहा है क्योंकि ये अभी तक इसने कुछ एक्टिविटी नहीं करी है। लगता है ये एकदम रियल मैन है भाई। अरे गाइस अब ये कौन मिल गया हमें भाई? अभी ये कौन है? अबे तू चाहता क्या है ब्रो? अबे ये तो हमको एरो दे रहा है। आई थिंक कोई तो आने वाला है यहाँ पे जिसके लिए हमको एरो दिए जा रहे हैं। ओ सामने कुछ ज़ॉम्बी आ रहे हैं आई थिंक। ये ज़ॉम्बी है ना, अब इनको मारना पड़ेगा भाई। ये ज़ॉम्बी नहीं, अभी तो ग्रैनी है भाई। मेरे को लगा ये ज़ॉम्बी है, तो ग्रैनी है। ओ माय गॉड मारो इसको। ओ भाई ये हमारे पास ना आने पाए, और अगर ये हमारे पास में आ गई, ओके तो हमने एरो मार मार के उसको भगा दिया है। सो अब वो हमारे पास बिल्कुल नहीं आने वाली। आई थिंक वो भाग चुकी है। चलो चेक करते हैं वो भागी या फिर नहीं भागी। एक तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, डेंजरस। कहाँ चली गई वो भाई, कहाँ चली गई? यहाँ तो है ही नहीं वो, पता नहीं वो कहाँ चली गई यार, पता नहीं यार वो कहाँ चली गई, मेरे को दिखाई तो नहीं दे रही है। नूब भाई आगे देख, वो है तो नहीं यहाँ पे कहीं? हाँ यहाँ पे वो नहीं होगी यार, वो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे
अभी थी, भाग गई। ओके तो ये बहुत ही अच्छी बात है, वो भाग चुकी है, लेकिन हमें भी तो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। सो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे वो बताओ मेरे को प्लीज़। ओ अबे आराम से नूब, नहीं अबे नूब आराम से ब्रो, यार ढंग से करना काम तू भाई, तू क्या कर रहा है, गिरेगा तो मर जाएगा भाई, मरना नहीं हम लोग को। यार नूब भी ना रिस्क ले रहा है भाई। चलो कोई बात, चलते हैं ऊपर। यहाँ पे एक पटरी का रास्ता बना हुआ है, ये कौन है? ओ शिट, ओ स्पॉन्ज, ओ माय गॉड, किसी ने स्पॉन्ज से उसकी शॉर्ट छीन ली, फिर दोबारा वो स्कैरी बन चुका है। ओ नो भाई, कोई इसके हाथ में शॉर्ट दो उसको भाई, कोई इसको शॉर्ट वापस करो वरना वो सबको मार डालेगा भाई। नहीं स्पॉन्ज, ओ माय गॉड, अबे ये स्पॉन्ज हमारे पास में आ रहा है, ओ वो उसको मार रहा है भाई। अबे यार यार हमारा क्या होगा यार, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक स्पॉन्ज हमारे पीछे पीछे आ रहा है। भाग नू भाग यहाँ से फटाफट से, हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा टेम्पल से। यार हमको इस टेम्पल से बाहर निकलना ही पड़ेगा हर हालत में, वरना ये स्पॉन्ज हमें जान से मार देगा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इतना लोग सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा खतरनाक है। आप रुको वेट करते हैं, उसका वो आ रहा है यार, वो आ रहा है यार। ओ भाई फाइनली ब्लास्ट हो गया बहुत ही। ओ लेकिन ये क्या हो गया, ब्लास्ट होने के बाद भी वो भी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल यार, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं भाई। ओके तो हम लोग ये कहाँ पे आ चुके, ओ सामने हमारे ग्रैनी है गाइस, ये देखो यार हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए। ओके ग्रैनी भी थी और ग्रैनी सामने की तरफ चली गई है। चलो हम, ये अच्छा मौका है यहाँ से भागने का, तो चलो निकलते हैं यहाँ से। ये क्या है भाई, यह तो बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, खून क्यों पड़ा है यहाँ पे, पता नहीं खून क्यों पड़ा है भाई, कभी तो कुछ ना कुछ हुआ। ओ ग्रैनी मेरे सामने खड़ी है, ओ भाई भाग गई, मतलब जैसे ही हम इसके ऊपर एरो मारते हैं वो भाग जाती है, कितनी चालाक है भाई ये। और अगर हम लोग दोबारा आ गए एरो मार नूब एरो मार भाई, वरना वो दोबारा हम खा जाएगी। ओ भाई भाग यहाँ से नूब, फटाफट भाग। ओ भाई वो आ रही है ग्रैनी, शिट। ओके तो ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं गाइस, ओके हम लोग ओ फाइनली हम लोग अपने घर में आ चुके हैं और ये हमारा ही घर है। तो चलो नूब फटाफट घर में घुसते हैं भाई, गेट खोलो, ये हमारा घर नहीं है क्या? ओ ये हमारे दोस्त का घर है भाई, तूने बताया नहीं मेरे को पहले नूब, कभी ये तेरा दोस्त है, ये तो वही लड़की है ना जिसको बचाया था हमने, नहीं नहीं ये दूसरी है, वो तो ग्रैनी थी। ओ ग्रैनी यहाँ पे आ चुकी है, ओ मतलब इस लड़की ने इस ग्रैनी को एक पेड़ बना दिया, वाओ, और ये एक अच्छी दोस्त बन चुकी है हमारी, वाओ यार गाइस इस लड़की ने हमारी जान बचाई यार, यार ये बहुत ही अच्छी बात है यार, मतलब वो एक इतनी बड़ी ग्रैनी को उसने एक पेड़ बना दिया, ये कोई मजाक की बात नहीं है भाई, ये बहुत ही बड़ी बात है भाई, कोई मतलब ऐसा कैसे कर सकता है यार, पक्का ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं लग रही मेरे को, लगता है ये कोई ख़तरनाक सी कुछ और ही लग रही है मेरे को भाई, मतलब मेरे को विश्वास तो नहीं हो रहा इसके ऊपर कि ये रियल की लड़की है। चलो देखते हैं जो भी होगा, पहले हम सोते हैं भाई। ओके दोस्तों ये देखो हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं और रात हो रही है, एंड ये जो लड़की है ये मेरे को शक तो था इसके ऊपर, ओ मैंने कहा था मेरे को इसके ऊपर शक था भाई, ये एक विच निकली, विच, ओ माय गॉड, और अब पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाली है, और अभी उसी पेड़ के पास जाके उसने उस पेड़ को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया ग्रैनी के अंदर, और अब वो ग्रैनी बन चुकी, और ग्रैनी उसको डायमंड दे रही है बहुत सारे, इसका मतलब ये है कि ये ग्रैनी की चाल थी, विच के साथ मिलके उसने हमारे साथ ये प्रैंक कर दिया। सो गाइस यार क्या वो आने वाला है यहाँ पे ग्रैनी, भाई ग्रैनी यहाँ पे आने वाली है क्या, मुझे नहीं पता यार। ओ वो आ चुकी है, नूब भाग यहाँ से, ग्रैनी यहाँ पे आ चुकी है नूब, अब हम लोग क्या करेंगे नूब भाई, ओ माई गॉड यार निकलो यहाँ से फटाफट, ओके निकलो भाई यहाँ से, यार वो ग्रैनी यहाँ पे आ चुकी है यार, और अब हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा इस केव के अंदर अपनी जान को बचाने के लिए, जल्दी भागो इसके अंदर भाई, यहाँ पे कोई रास्ता वास्ता है क्या जहाँ हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर पाए भाई, इसको बंद कर ले पूरा भाई ताकि वो हमें देख ना पाए। ओके ओ ओ नहीं वो तो आ चुकी है, अरे अब क्या करें क्या करें, ओ डायमंड दो उसको, ओके तो कुछ तो होगा इससे, लेकिन ये डायमंड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है भाई, उसने नूब को मार दिया और अब मेरी बारी है, अबे नहीं मेरे को छोड़ दे, अबे शिट, नो 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 प्लीज नो 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 ग्रैनी नो ग्रैनी नो, ओ एलेक्स वाओ तुमने फाइनली ग्रैनी को मार दिया, अरे वाह गाइस देखो एलेक्स ने इसको मार दिया यार, भाई मैं तो मरने वाला था भाई, बच गया मैं तो गाइस, थैंक गॉड।